महाभारत के ऐसे तीन योद्धा जिन्होंने महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ही पाला बदल लिया, यानी कि पक्ष बदल लिया। आखिर कौन थे वो तीन योद्धा? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए आप करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। महाभारत का युद्ध काफी अनोखी कथाओं से भरा हुआ है। कौरव पक्ष के बहुत से लोग पांडवों की ओर से लड़े, तो पांडव पक्ष के लोग भी कौरवों की ओर से लड़े। ऐसे भी थे जिन्होंने युद्ध तय होने के बाद अपना पाला बदल लिया। तो आइए इन्हीं तीन योद्धाओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने एंड मोमेंट में, यानी कि आखिरी समय में अपना पाला बदल दिया। सबसे पहले हैं शल्य। महाभारत में शल्य तो पांडवों के मामा थे, लेकिन वो युद्ध में लड़े कौरवों की ओर से। खैर, इसके पीछे दुर्योधन की गहरी चाल थी। जब शल्य हस्तिनापुर पहुंच रहे थे तो उससे पहले ही उनका एक भव्य स्वागत किया गया। जब पता चला कि ये भव्य स्वागत तो दुर्योधन ने किया है, दुर्योधन ने इसका इमोशनली फायदा उठाकर शल्य को अपनी तरफ कर लिया और उनकी दो अक्षौणीय सेना भी अपनी तरफ कर ली, क्योंकि शल्य ने पहले ही उन्हें वचन दे दिया था कि वह जो मांगेंगे उन्हें मिल जाएगा। ऐसे में दुर्योधन ने वचन मांगा और शर्त रखी कि युद्ध में उनका पूरा साथ उन्हें देना होगा। ऐसे में शल्य भी अपने वचन का पालन करने के लिए अपनी जुबान से नहीं मुकर सकते थे। ऐसे में उन्होंने हाँ ही करी। अब बात करते हैं नंबर दो पर काबिज, युयुत्सु की। क्या आप जानते हैं कि युयुत्सु कौरवों के भाई थे? जब युद्ध शुरू हो रहा था तो उसके अंतिम समय में ही युधिष्ठिर के समझाने पर वो पांडव दल में शामिल हो गए थे। अपने खेमे में आने के बाद पांडवों ने एक विशेष रणनीति के तहत युयुत्सु को उन्होंने सीधे मैदान में नहीं उतारा, बल्कि उनकी योग्यता को देखते हुए उसे योद्धाओं के लिए हथियारों और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंधन देखने के लिए नियुक्त किया। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर मौजूद नारायणी सेना के सेनापति अर्जुन के शिष्य सात्यकी की। जी हाँ, सात्यकी ही थे वो तीसरे योद्धा जो भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना यानी कि कौरवों की ओर से युद्ध लड़ने वाले थे। लेकिन युद्ध से पहले दुर्योधन ने श्री कृष्ण से युद्ध में अपनी ओर से लड़ने का जब प्रस्ताव दिया था, तब उसमें उन्होंने नारायणी सेना लेने का वादा लिया था। दुर्योधन और कौरवों की तरफ से नारायणी सेना जा रही थी, जिसके प्रमुख सेनापति थे सात्यकी। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के तो वो चहीते थे ही थे, साथ ही अर्जुन के शिष्य भी थे। ऐसे में सात्यकी ने अपने गुरु के पक्ष में जाना ही बेहतर समझा और उन्होंने नारायणी सेना को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का साथ चुना। तो दोस्तों, यही थे वो तीन योद्धा जिन्होंने एंड मोमेंट में पाला अपना बदल लिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।